गाइज एमआई रूम का लेटेस्ट अपडेट आ गया है रेडमी के नोट 10 प्रो और बाकी अदर डिवाइसेज के लिए। तभी फिलहाल मैं फ्लैश कर रखा हूँ रेडमी के नोट 5 प्रो के अंदर और साथ साथ रेडमी का नोट 10 प्रो के अंदर। तो यहाँ पे रेडमी का जो नोट 7 प्रो है ये एंड्रॉयड 10 पे रन कर रहा है और रेडमी का नोट 5 प्रो जो कि एंड्रॉयड 9 पे रन कर रहा है। तो एंड्रॉयड 10 के अंदर क्या कुछ नया चेंज देखने को मिलता है और एंड्रॉयड 5 पे क्या मिलता है ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ साथ एमआई रूम में क्या कुछ आपको जो सपोर्टेबल डिवाइस की लिस्ट मिलती है वो भी बताऊँगा और चेंज लोग भी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपके पास कोई रेडमी का डिवाइसेज है तो वो इस लिस्ट में मेंटेन है या नहीं। अगर मेंटेन है तो आप ये पता कर पाओगे कि आपके फ़ोन के अंदर आप फ्लैश करते तो क्या कुछ चेंज देख पाओगे। उसके बाद आप ये डिसाइड भी कर पाओगे इजीली कि आपको इसे रोम को फ्लैश करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके चेंज लॉग की, चेंज लॉग में क्या क्या आपको देखने को मिलता है उस पर हम चेंज की बात करेंगे और एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 9 के बीच में क्या क्या डिफरेंस रहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक फीचर्स ऐड कर दिया गया है वो हमारा वीडियो टूल बार का, जैसे कि गेमिंग का मोड रहता है उसी टाइप का आपको जो वीडियो का टूल बार देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको डायरेक्टली सेटिंग्स की ओर आना है। उसके बाद आपको आना है अपने स्पेशल फीचर्स की ओर, जहाँ पे आपको दिखाई दे देगा वीडियो का टूल बॉक्स, जहाँ पे आप अपने सिलेक्टेड ऐप से जो चेंज कर सकते हो या फिर अदर ऐप को सिलेक्ट कर सकते हो ताकि आप वीडियो टूल बार का बॉक्स जो यूज कर पाओ उन एप्लीकेशन के ऊपर। तब यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशन को सेट किया है, जैसे कि अनटूटू का है, गैलरी है, यूट्यूब है, एमआई वीडियो है और भी जो एप्लीकेशन आप रखना चाहते हो उस पे जो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप उसे सिलेक्ट कर लोगे और उन एप्लीकेशन को आप अगर ओपन करते हो तो आपको जो जैसे कि गेमिंग मोड देखने को मिलता है उसी तरह से जो बार ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप इसे एक्सेस करके या तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर सकते हो, स्क्रीन शॉट क्लिक कर सकते हो, कास्ट स्क्रीन का यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पे वीडियो प्ले का एक और ऑप्शन है जो कि साउंड का है उसे आप जो इनेबल कर सकते हो। अपने शॉर्टकट जो कुछ लिस्ट है उन्हें आप एक्टिव कर सकते हो, जैसे कि हमारा नोटपैड हो गया, ब्राउजर हो गया, मैसेजिंग और सेटिंग्स। तो यहाँ पे उम्मीद है कि जल्दी और एप्लीकेशन को ऐड करने के फीचर्स देखने को मिलेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए एप्लीकेशन को ऐड करने के फीचर्स दिखाई नहीं देते हैं। और इसे आप लेफ्ट में करना चाहते हो या राइट में तो ये भी आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की आगे की ओर। तो नेक्स्ट चेंज में आपका जो स्क्रीन टाइमिंग में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया यानी ऐड किया गया है कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमिंग सेट करते हो और वो टाइमिंग से ज़्यादा आप उस एप्लीकेशन को यूज करोगे तो बार बार नोटिफिकेशन देगा आपको कि भाई आपने टाइम कंप्लीट कर लिया, आप ज़्यादा यूज कर रहे हो तो प्लीज़ बंद कर दो। तो इस टाइप का आपको नोटिफिकेशन देगा। तो आप देख सकते हो नोटिफिकेशन अबाउट इंप्रूवटेड यूजेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बार नोटिफाई करेगा आपको वो भी आप सेट कर सकते हो, जो कि 120 से लेकर 30 तक का दिया गया है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है और साथ साथ इनके आइकन भी है जो आप बदल दिए गए हैं। तो ये सारी चेंज आपको एंड्रॉयड 10 वाले MIUI 11 और एंड्रॉयड 9 वाले MIUI 11 दोनों के ऊपर देखने को मिलेगा। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं। तो हमारे को काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग फीचर्स यहाँ पे आ गया है वो है हमारा प्राइवेट एक्शन। जब भी हम कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कई बार हमारे डेटा को लीक कर देते हैं, चोरी करते हैं, बैकग्राउंड से हमारे माइक को यूज कर लेते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट को रीड कर लेते हैं, कई बार बहुत सारी GPS वगैरह की ऐसी एक्टिविटी है जो लीक करके और कहीं और भेज देते हैं। बट इस अपडेट को कर लेने के बाद जब भी कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आप यूज करते हो और वो बैकग्राउंड में कुछ भी एक्सेस करता है, चाहे आपका GPS हो, माइक हो, कैमरा हो, कॉन्टैक्ट हो, तो उसके शॉर्टकट आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी अनटूटू है जो ऑन है तो इसका आइकन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का कोई भी चोरी करने वाली चीज़ें एक्टिविटी करेगी कोई एप्लीकेशन तो उनके आइकन दिखाई देंगे और जैसे आप उस आइकन पर टैप करोगे तो वो एप्लीकेशन डायरेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आप उस एप्लीकेशन की बैंड बजा सकते हो कि सलाह पीछे से चोरी करता है, चल निकल मेरे फ़ोन से बाहर। तो इस तरीके का आप एक्शन दे पाओगे इस एप्लीकेशन के अपडेट हो जाने के बाद। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स लगा है जो कि भाई देखने को मिलता है इस अपडेट के अंदर दोनों डिवाइस के अंदर, यानी एंड्रॉयड 10 और 9 वाले MIUI के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ नई ऐड की गई है, वो है डार्क मोड का, जो कि आपका जो डार्क मोड सपोर्ट करता है। और एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले FM हमारा जो डार्क मोड सपोर्ट नहीं करता था, बट अब आप जैसे ही इसे डार्क मोड को इनेबल करोगे तो आपका जो FM है ये भी डार्क मोड को सपोर्ट करने लग जाएगा। तो ये सपोर्ट दोनों एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 9 वाले डिवाइस में देखने को मिल रहा है। आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है और बग फिक्स किया गया है, एनिमेशन में हल्का सा चेंजिंग किया गया है ताकि आपको और स्मूथनेस देखने को मिल सके। तो ये तो चेंज हो गया नॉर्मली जो यूनिवर्सल किया गया था, अब थोड़े वो चेंज किए गए हैं वो है हमारे MI टीम की ओर से जो कि MI रूम के हैं।
वहीं पे आप देख सकते हो कि स्क्रीन टाइमिंग में जो प्राइवेट एक्शन का ऑप्शन दिया गया है, जो कि रिबूट एक्शन देने के बाद एक काम करना बंद करेगा फिर काम करना चालू करेगा। यानी आपको इसे इनेबल करना है तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा डिवाइस को, या फिर आपको जो इसे बंद करना है तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अपडेट डेस्कटॉप वर्जन किया गया जो कि एंड्रॉइड 10 के लिए स्पेशली है, एंड्रॉइड 9 वाले के लिए है जो पासवर्ड टेस्ट का है जो फीचर्स इंप्रूव किया गया है, फिक्स किया गया है रेडमी के नोट 5 प्रो के लिए, राउंडिंग प्रो नहीं सिर्फ नोट 5 के लिए। उसके बाद फिक्स फंक्शन किया गया स्विचिंग ट्रैक विद द वॉल्यूम की। तो रेडमी के नोट 7 प्रो में आ रहा था प्रॉब्लम, जब भी हम म्यूजिक को चेंज करते थे लॉक करने के बाद तो काम नहीं कर रहा था, तो ये चीज़ें हैं जो फिक्स कर दी गई है। तब देखते हैं कि क्या कुछ और एक्स्ट्रा चेंज दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अबाउट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एमआई रूम का जो बिल्ड है वो है 20.3.12, जहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिलता है। तो रेडमी नोट 7 प्रो के लिए लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 आया है, बाकी जिसका एंड्रॉयड 10 ऑलरेडी है 10 मिलेगा, जिसका 9 है उसको 9 ही मिलेगा। सिक्योरिटी पैच कुछ कुछ यूजर्स को जो अभी तक मार्च का देखने को मिल रहा है, तो कुछ का फरवरी का देखने को मिल रहा है। तो सिक्योरिटी पैच अलग अलग डिवाइसों के लिए चेंज है, जबकि रेडमी के नोट 5 प्रो में लेटेस्ट मिलता है, के 20 प्रो में एक मंथ का ओल्ड मिल जाता है। 4G में वर्जन यूज कर रहा हूँ, प्रीप माइनस का बाय डिफॉल्ट कर्नेल यूज किया गया है, तो किसी किसी में प्रीप का प्लस वाला कर्नेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑलवेज और डबल टैप स्लीप मोड ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि हमेशा दिखाई देता है। यहाँ पे एक और एनिमेशन देखने को मिलता है, वो है आपका चार्जिंग का। जैसे कि हम चार्जिंग उपलब्ध करते जो एमआई की तरफ से एनिमेशन नया प्रोवाइड किया गया है, उसे आप अगर हटाना चाहते हो तो डायरेक्ट सिंपली आप उसे ऑफ कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिलता है रेडमी मोड और बाकी डार्क, जो कि एंड्रॉयड 10 वाले डिवाइस को ग्लोबल डार्क मोड देखने को मिल गया है, जबकि एंड्रॉयड 9 वाले जो रन कर रहे हैं जैसे कि रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी नोट 5 और बाकी तो डिवाइस, उनमें ग्लोबल डार्क मोड देखने को नहीं मिलता है। एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क ये सभी डिवाइसों को देखने को मिल गया है, चाहे आप 9 पे हो या फिर 10 पे हो। वहीं पे अगर हम नॉच की बात करें तो यहाँ पे रॉयन कॉलिंग वगैरह देखने को मिलता है, स्पीड मीटर, कैरियर लेवल जो कि कॉमन है, सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि सो प्राइवेट बिहेवियर आइकन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी चीज़ एप्लीकेशन कोई भी डेटा चोरी करती है इंटरनली विदाउट आपके परमिशन के, तो वो आइकन यहाँ पे शो होगा और उस पर टाइप करके आप डायरेक्ट उस एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई है, जिसे आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो फिर ऑन कर सकते हो। तो ऑन करने के लिए तो ये पहले से ऑन रहता है, लेकिन अगर जब आपको ऑफ करना है तो इसे ऑफ करने के बाद डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये एक्टिव होगा। उसके बाद ड्यूल नेटवर्क आइकन, ये कुछ कुछ डिवाइस को मिला है, कुछ कुछ को नहीं मिला है। जैसे कि पोको में हमें ड्यूल नेटवर्क एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप दिखाई देता है, सेम उसी तरह का। तो ये अभी फिलहाल ट्रेंड बन गया है जो कि पोको ने लेके आया था। उसके बाद स्क्रीन सेवर और बाकी अदर चीज़ें दिखाई देती है। बैक की ओर चलते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो ये सारे कॉमन वाले जो ऑप्शन हर बार एमआई रूम प्रोवाइड करता है, इस बार भी देखने को मिलता है। यहाँ पे भी वही सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि पहले हमें देखने को मिल जाता था, तो कोई भी चेंज नहीं है। लाइट मोड भी यहाँ पे दिया गया है, तो लाइट मोड हर एक डिवाइस के लिए है, तो सभी एंड्रॉयड 9 और 10 वालों पे देखने को मिल जाएगा। वहीं पे फेस अनलॉकिंग, जिनको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिला है वहाँ पे डबल फेस अनलॉक है जो देखने को मिल रहा है, जिनका भी एंड्रॉयड 5 है उनको जो सिंगल फेस अनलॉकिंग ही देखने को मिलता है। वहीं पे फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ आपको परफेक्ट रिस्पॉन्स दिखाई देता है। बैटरी में वही सारी चीज़ें हैं, ऐप्स के अंदर आपको ऐप्स बिहेवियर देखने को मिल जाता है मैनेज के अंदर, जो कि ये भी बताता है कि क्या क्या एप्लीकेशन आपका एक्सेस कर रहा है और किस तरीके से। तो अब जाके तो अब बिहेवियर भी डिटेक्ट करके शो कर देगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर सब ऐड हो गया है। वहीं पे एडिशनल पे आते हैं और अगर हम अपना डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू एनिमेशन देखने को मिलता है जेस्टर्स का और बाकी अदर चीज़ें जो कि रिबूट के बाद काम करता है। तो आप देख सकते हो मैं फिलहाल यहाँ पे इनेबल कर रखा हूँ तो काम करता है, लेकिन हल्का फुल्का लैग भी आपको देखने को मिल जाएगा जब आप इसे इनेबल करोगे तो, क्योंकि उतना सूटेबल नहीं हुआ है हमारे एंड्रॉयड 10 और MIUI के ऊपर, जबकि एंड्रॉयड 10 के कस्टमर होम पे काफ़ी परफेक्टली काम करता है। आप एडवांस बूट मेनू और बाकी सारे जो ओल्ड वाले ऑप्शन हैं ये तो एक्टिव कर ही सकते हो, जो कि हर एक डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर डिस्प्ले की, तो यहाँ पर असिस्ट लॉन्च जेस्चर जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलेगा किसे, तो एंड्रॉयड 10 वाले यूजर्स को, बाकी अदर यूजर्स को देखने को नहीं मिलेगा। आप जो नेम बार का पेल्स है उसे भी हाइड कर सकते हो, और जैसे आप इसे इनेबल करोगे आपका फुल एनिमेशन जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके। और पहले जो हमें लैग देखने को मिलता था वो सारे लैग्स यहाँ पे जो फिक्स हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से अब यहाँ पे जो काम करता है। वहीं पे लाइट मोड वगैरह ये चीज़ें मैंने आपको शो कर दिया। अब आते हैं होम स्क्रीन पे। तो रेडमी के नोट 7 प्रो यूजर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला था कैमरे में, जो कि 48 का था, फोटोज हमारी सेव नहीं हो रही थी, बट ये फुल्ली ये जो फिक्स हो गया है। साथ ही साथ हमारे वीडियो मोड के अंदर 4K का रिकॉर्डिंग हटा दिया गया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेडमी के नोट 7 प्रो डिवाइस के साथ किया गया था। तो
ये वापस से जो ऐड हो गया है, तब आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की है और सबको चेक किया है, तो काफ़ी अच्छा आपको डिटेलिंग देखने को मिलता है। और 48 है जो हर बार काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम करना बंद कर देता है। तो आप देख सकते हो 19 MB का पिक है, उसका सेकंड पे आते हैं तो यहाँ पे भी 19 MB, 20 MB का पिक है यहाँ पे भी, और डिटेलिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा है जो अच्छी लगी है। तो काफ़ी अच्छा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं कहूँगा भाई कैमरा काफ़ी हद तक इम्प्रूवड हो गया है और जैसा होना चाहिए था उसी टाइप का आपको कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरे के अंदर कोई भी इशूज या कमियाँ नज़र नहीं आती है। यहाँ पर नेट सेफ्टी की बात करें तो आपका नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास देखने को मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो डिवाइस का जो प्ले स्टोर है वो भी सर्टिफाइड देखने को मिलता है। तो आप बैंकिंग ऐप वगैरह यूज कर पाओगे, लेकिन अगर आप इसे रूट कर देते हो जो कि बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है, तो आपका जो L1 का सपोर्ट है वो चला जाएगा। तो जिस डिवाइस को L1 का सपोर्ट मिला था वो L3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स यूज करते हो तो आपके लिए प्रोमोलव की बात हो सकती है। अब बात करते हैं सपोर्टेबल डिवाइस के लिए, तो हमेशा रेडमी का नोट 6 प्रो ऊपर रहता है लिस्ट में, जो कि पोर्ट रोम के रूप में आता है। पोको का पोर्ट रोम आना बंद हो गया है, लेकिन जैसे ही मिलता है थर्ड पार्टी की ओर से तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। रेडमी का नोट 10 जो कि CC9 Pro है, जो कि एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहा है। रेडमी का नोट 7 Pro जो कि एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहा है। रेडमी का नोट 7 जो कि ये भी एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहा है। MI Mix 3 जो कि एंड्रॉइड 10 पे है, MI 9T और K20 जो कि एंड्रॉइड 10 पे है। रेडमी का नोट 5 जो कि एंड्रॉइड 9 पे है। MI Mix 2S जो कि एंड्रॉइड 10 के ऊपर है। MI Mix 3 जो कि एंड्रॉइड 10 के ऊपर है। MI का नोट 3 जो कि एंड्रॉइड 9 पे रन कर रहा है। MI का Mix 2 जो कि एंड्रॉइड 9 पे है। MI 9 Lite या CC9 जो कि एंड्रॉइड 10 के ऊपर है। MI का 90 Pro या K20 Pro ये दोनों जो एंड्रॉइड 10 पे रन कर रहे हैं। MI 9 SE एंड्रॉइड 10, MI 9 एंड्रॉइड 10, MI 8 एंड्रॉइड 10, MI 8 SE एंड्रॉइड 10, MI 8 Pro जो कि एंड्रॉइड 10 पे है, MI 6 का एंड्रॉइड 9 पे, MI 8 Lite जो कि एंड्रॉइड 10 के ऊपर है, और MI का 6X जो कि एंड्रॉइड 9 के ऊपर है। तीन डिवाइस को जो सपोर्ट करता है MI रूम, तो इनमें से कोई भी एक डिवाइस आपके पास है तो आप उसे फ्लैश करके इजीली यूज़ कर पाओगे। और क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको जो शो कर दिया है। इसके प्रीवियस बिल्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्लैश कैसे करना है, अगर आपको नहीं पता था कि कैसे फ्लैश करना है तो प्रीवियस वाला अपने वीडियो वॉच कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें।